एवीएम एंटरटेनमेंट में एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि गाड़ी में लेदर सीट कवर की फिटिंग किस तरह से होती है। तो भाई साहब ने पहले सारी सीट्स निकाल ली हैं, ठीक है दोस्तों, पहले सारी सीट्स आपकी निकाल ली जाएंगी, आगे की पीछे की और सब कुछ निकाल लिया जाएगा। मैं दोस्तों गाड़ी में साथ साथ में जो अंडर जो कोटिंग करवानी होती है वो भी करवाने वाला हूँ। तो वेलक्रो, फुल वेलक्रो होगा, मतलब वेलक्रो का मतलब दोस्तों आपको जैसे कि मेरी सीट आप देख रहे हैं, सीट बाहर निकाल के रख दी है, नए नए सीट कवर लगे हैं। तो दोस्तों मैंने कार अनबॉक्सिंग का वीडियो भी बनाया था मेरी अमेज़, ऑल न्यू अमेज़ का, तो वो भी आप प्लीज़ देखिए। ऐसे ही अब एक्साइटिंग जो एक्सेसरीज में लगाऊंगा उसके मैं वीडियोज़ आपको बताऊंगा, प्लस कार में कौन सा चार्जर खरीदना है वो भी वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। तो अब दोस्तों फुल वेलक्रो किसको बोलते हैं कि मतलब एक ही कपड़े से पूरा तैयार किया होता है, उसमें कम से कम टुकड़े लगे होते हैं जिसकी वजह से वो मजबूती भी ज़्यादा आती है और वो टिकाऊ हो जाता है। और दोस्तों बता दूँ मैंने जो सीट कवर्स लिए हैं, अब ये देखिए पीछे की सीट भी है, ये मैं जो वेलक्रो बता रहा था पीछे पड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि मेरे दोस्त ने उल्टी कर दी थी जिसकी वजह से मुझे लेदर सीट कवर डलवाने पड़े, और अभी मैं हैप्पी हूँ लेदर सीट कवर डलवाने के बाद। मेरे ख्याल से आपको सीट कवर डलवा ही लेने चाहिए, लेदर सीट कवर आर इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन आर बेटर, लुक वाइज भी बेटर है और अपनी कार में फिजिबिलिटी भी बेटर है। तो ये दो सीट कवर्स फाइनलाइज किए थे, इसमें से मैंने जो चेक्स वाले सीट कवर हैं वो किए। अब दोस्तों बता दो इसमें दो किस्म की फिटिंग्स आती हैं, ठीक है, एक आती है नॉर्मल फिटिंग के जो जिसमें तैयार बिल्कुल बना हुआ होता है, बस आपको पहना देना होता है, जिसको आप भी यूज़ कर सकते हैं। और अब ये दूसरी किस्म की फिटिंग है जिसको बकेट फिटिंग कहते हैं, जिसमें भाई साहब तार काट रहे हैं, तार से पूरी फिटिंग करेंगे जिसकी वजह से जो सीट का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको लेदर सीट कवर चढ़ने के बाद भी आपको दिखेगा कि हाँ ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका यहाँ पे मोड़ है, सब कुछ दिखेगा। तो बहुत वेल प्रोफेशनल ये कर रहे हैं, और देखिए इस तरह से पूरा अपना तार अंदर से डाल के इसको पूरा बिठाएंगे आप जैसे देख रहे हैं। तो दोस्तों इसको बकेट फिटिंग कहते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से बकेट फिटिंग ही करवानी चाहिए। कंपनी में मैं तो कहूँगा कि आप ट्राई करिए कि लेदर सीट कवर आपको ऑफर में फ्री मिल जाए, जब फाइनलाइज हो जाए आपकी प्राइस पहले कम से कम प्राइस फाइनलाइज करवाए, उसके बाद लेदर सीट कवर फ्री करवाइए। अगर नहीं होते तो वो आपको 8 से 9 हज़ार रुपये में देंगे। लेकिन अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको अगर लेदर सीट कवर खरीदना है तो उसमें जितना हो सके उतनी अच्छी क्वालिटी का वो मोटा सीट कवर खरीदना है, क्योंकि बार बार कोई इंसान खर्चा नहीं करता। ये फुल वेलक्रो किया हुआ है, देखिए पूरी सिलाई में पूरे कपड़े में से एक बार बना हुआ है जो लंबा टिकता है। तो ये मैंने डला है महावीर मोटर्स में, कार बॉक्स भी नाम है उनका, जो प्रहलाद नगर कॉरपोरेट रोड पे है। काफ़ी मैंने 2-3 जगह पे दाम पूछे और इनका जो मटेरियल देखा, मुझे मटेरियल का दाम अच्छा लगा। तो दोस्तों मैंने तकरीबन 6,000 रुपये में मुझे पूरा इन्होंने करके दिया, तो मुझे सही लगा। और 2.5 mm का मेरा जो लेदर है वो है, जिसकी वजह से मुझे ये भी अच्छा लगा। काफ़ी कम क्वालिटी के लेदर भी आते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप कम से कम 2.5 नहीं तो आप 1.5 लेदर तो लीजिए ही, क्योंकि 0.9 का भी लेदर आता है, एमएम का लेदर भी, लेकिन वो दोस्तों जल्दी फट जाएगा, नहीं ड्यूरेबल नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा पैसा ज़्यादा डाल के आप अच्छी क्वालिटी में सीट कवर डलवाएं। तो एक एड्रेस मैंने आपको बता दिया, अगर अहमदाबाद में है तो मैंने नंबर उनके डिस्क्रिप्शन में दे दिए, 2-4 जगह पे आप पूछ सकते हैं और फिर कंपेयर कर सकते हैं। अगर महावीर मोटर्स में आपको अच्छा लगता है तो वहाँ जाके आप करवा सकते हैं। बता दें दोस्तों मैंने यहाँ सीट कवर डलवा इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं यहाँ पे रेगुलर कार वॉश भी करवाता हूँ और यहीं पे मैं अपने सीट कवर्स मैंने डलवाए और काम मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों अब नीचे जो मैटिंग है वो मैटिंग लगाई जा रही है, मैंने डिक्की में भी दोस्तों मैटिंग लगवा ली ताकि फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, इससे ये स्मेल वगैरह भी नहीं आती। और दोस्तों इससे इसके ऊपर अगर कुछ लग भी जाता है तो इजीली साफ भी हो जाता है, तो ये मैटिंग वगैरह करवा लेना भी गाड़ी के लिए अच्छा है। ये इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन दोस्तों सीट कवर तो ज़रूरी ही ज़रूरी है, तो अगर आप ये मैटिंग ना करवाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था खर्चे में,
तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दोनों ही करवा लूँ। अब 1500-2000 रुपये की मैटिंग का खर्चा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से क्यों ना मैंने सोचा मैटिंग भी करवा लूँ। अब कार इतनी लाखों रुपए की लेते हैं और उस पर आप थोड़ा सा खर्चा अगर नहीं करते तो मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए। अब देखिए पूरी फिटिंग होते हुए मैंने आपको दिखाया, ये वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा यही था कि किस तरह से पूरी फिटिंग की जाती है। प्लास्टिक जो कार के होते हैं उनके नीचे बिल्कुल दबाया जाता है, बिल्कुल अच्छे से फिट किया जाता है, बिल्कुल भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। ये लगने के बाद बहुत ही अच्छा आरामदायक, इवन अभी मैंने कार अपने हाथ से साफ़ की, बिल्कुल इजीली कार अंदर से आराम से साफ़ हो गई। तो मेरे हिसाब से आपको लेदर सीट कवर के साथ साथ ये मैटिंग भी लगवाना चाहिए। एडवाइजेबल है, कंपलसरी नहीं है, पर एडवाइजेबल है, लगा लीजिए, बहुत पैसों का खर्चा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और घंटी में ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करिए, ताकि ऐसे ही 2-व्हीलर 4-व्हीलर से रिलेटेड वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। और अगर ऐसे ही सीट कवर